दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम एकदम जो है ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं, ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं इस सैमसंग का A54। अब देखे होंगे दर्जन भर भर के सौ सौ वीडियो इसका आए हुए हैं, आप बहुत लोग बहुत प्रशंसा किया है, लेकिन जो हम जो बताएंगे ना जेन्यून बताएंगे। कहा है कि भैया हमारे सब्सक्राइबर कम है, जब तक अच्छा नहीं बताएंगे तब तक आप देखिएगा नहीं। तो इसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या खासियत है। भैया ये जो फ़ोन आता है ना 39,000 का रेंज में आता है, ठीक ना, सबसे बेस वेरिएंट 39 है, वो 35,000 में भी आता है, 6 GB वाला, वो अवेलेबल जल्दी रहता नहीं है। कार्ड वार्ड लगा कि आपको 32,000 में मिल जाएगा, ठीक ना, कार्ड है, अपग्रेड है, फलाना ढिमाका बहुत चीज़ है, वो आपको 32-33,000 में मिल जाएगा। तो 32-33,000 में ये वर्थ है कि नहीं है, यही हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए पहले जानना पड़ेगा ना कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो चलिए बताते हैं। इस पर तो पहले इसका बात कर लेते हैं, लुक एंड फील कैसा है, समझे। तो लुक फील में तो फोनों बड़ा अच्छा लगता ही है, खूबसूरत है, जानते हैं। पीछे भी ग्लास दिया हुआ है, ग्लास बॉडी है, और फ्रंट में तो ग्लास ही है, बिना ग्लास के तो यूज कैसे करिएगा। लेकिन फ्रंट और बैक दोनों में जो है गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है, जबकि बड़ा मजबूत है फ़ोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करके छोड़ दीजिए, बड़ा देखें ढेर लोग गिराता है, वीडियो बनाता है, ना ना भैया, टूट जाएगा तो फिर पैसा आप ही को खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद बॉटम की बात करते हैं, तो बॉटम में देखिए इसमें आपका टाइप सी पोर्ट है, दो दो माइक है और स्पीकर ग्रिल है। अब भैया फ्लैगशिप का फ़ोन होने का सबसे बड़ा पैरामीटर हो गया है उसमें 3.5 mm जैक नहीं दिया गया। चलिए छोड़िए, साइड में देखिए पावर बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन है, इधर एकदम नीट एंड क्लीन है। ऊपर की बात करें टॉप की, तो इसमें भैया सिम ट्रे है और एक माइक, जानते हैं इसमें एक चीज़ फीचर बड़ा अच्छा है, वो हम आपको थोड़ा देर में बताते हैं कि तीन तीन गो माइक इसका क्या यूज़ है, बड़ा शानदार। अब डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों 6.4 इंच का इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार है, जानते हैं। इसका जो ब्राइटनेस है ना 1000 नीट का है, मतलब धूपा उपा में जाइएगा ना तो दिखेगा, लेकिन हल्का फुल्का दिखेगा, बाकी नॉर्मल फोन से तो ठीक है दिखता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ऑप्टिकल है, तनिक समय लेता है, भैया कैसे चिन्हाएगा कि सैमसंग है ना, तो थोड़ा समय लेता है लेकिन फिर भी खुल जाता है, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद 120 Hz का पैनल है। अब मेरे पास जो वेरिएंट है दोस्तों बड़ा दिन से यूज़ कर रहे हैं, ये है आपका 8128 है, हमको कंपनी से डेमो मिला है, समझे, इसलिए रिव्यू जो है एकदम जेन्युइन कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड 13 के साथ आता है, और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें एक चीज़ और हमको क्या लगा, इसमें जो है दोस्तों आपका जो गूगल का जो अपडेट मिलेगा ना वो 4 साल का मिलेगा। सोचिए Pixel 7 अभी हाल फिलहाल का लॉन्च है और उसमें 2 साल का अपडेट है, लेकिन सैमसंग अभी बड़ा सुधरा है, समझे। बड़ा लोग जो कहता ना हैंग करता है, हैंग करता है, अब नहीं करता, अब मिथ है वो, समझे, वो मिथ को हटा दीजिए। हैंग तो यहाँ आईफोन भी करता है, देखिएगा मेरे शॉर्ट्स में वो है, वो हैंग कर गया था, इसका मतलब ये नहीं है भैया, शरीर है, शरीर पर ज़्यादा लोड डालिएगा तो हैंग करवे करेगा, चाहे आप हो चाहे हम है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के डेट में क्या है कि भैया रील्स बनाएंगे तो वीडियो अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो भी है इसमें व्यवस्था। इसमें जो कैमरा है दोस्तों 50 MP का प्राइमरी है, बाकी 2 गो है, पर काम कर सकते हैं नहीं हो कर सकते हैं, माइक्रो का बड़ा अच्छा कैमरा है, ये तो मानना पड़ेगा। फ्रंट में दोस्तों फ्रंटे का तो आजकल लोग रील बनाता है, 32 MP सेल्फी भी है, फोटो खींच सकते हैं, 32 MP प्राइमरी कैमरा है। अब फ्रंट और बैक दोनों जो है ना, दोनों में आपका Ultra HD मतलब 4K वीडियो एकदम फुल रेजोल्यूशन में धकेलिए, बढ़िया से बनाइए वीडियो, एकदम लाइक्स पर लाइक्स लीजिए अपना भाई, रील्स में चाहे कोई चीज़ बनाइएगा तो बनेगा। एक फीचर और है तरह बढ़िया है उसको, इसका जो हम कैमरा खोलें, ठीक है ना, इसमें देखिए ये ऑप्शन मेरा ऑन रहता है ऑटो फ्रेमिंग, ये जो है ऑटो फ्रेमिंग इनहेंजर है। अब ये इसका फ़ायदा क्या, देखिए अभी हम बताएंगे। फ्रंट पे ऑन किए ना, देखिए मेरा फोटो है भैया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। आई जो है जैसे इसको हम ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये जो है ना ऑटोमेटिक से मेरा हाव भाव, मेरा फेस, इसको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक जूमिंग जो है, जूम है या कोई भी चीज़ है, मतलब अगर हमारा हाव भाव देख रहा है तो देखिए ऑटोमेटिक से वर्क करना चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक से ये जो बॉडी को डिटेक्ट करके वीडियो बनाता है, जिससे कि जैसे कैसे हम रिव्यू चैनल बना रहे हैं तो उसी तरह से आपको ट्राईपोड ट्राईपोड का फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा तब ना जरूरत पड़ेगा। तो ये सब चीज़ कुछ कुछ है इससे जो हम वीडियो बनाए हैं अपना, देखिए ये भी डाले हुए हैं Realme 11 Pro Plus, 200 MP है, 24-25 हज़ार में, समझे, पता नहीं कि आपको धीरे धीरे 1000 MP मिल जाए, देख रहे हैं कैमरा भगोड़ा ऐसे निकला है इसका। तो ये सब देखिए ऑटोमेटिक फोकस लेता है, इसमें कुछ एडिटिंग अभी नहीं किया, देख रहे हैं बैकग्राउंड का जो फोकस है बड़ा बढ़िया लेता है। एक चीज़ तो है सैमसंग में कि ये जो है ना बड़ा नेचुरल फोटो लेता है, करिए हैं तो करिए लौकीगा, समझे, ज़्यादा गोर नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है
दिखता है। अभी देखिए इससे फोड़ के हम लिए, अभी देखिए इसका जो क्वालिटी देखिए, ये देखिए हत्ती चूंकि कीड़ा है भाई, देखिए क्या क्वालिटी दिया है। देखिए फोड़ के है, अल्ट्रा एच डी में, आपको भरोसा लगे इसलिए हम आपको देखिए डिटेल दिखा देते हैं कि रेजोल्यूशन है इसका 3840x2160 फोर के वीडियो बनाए, तनिको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फोटो देखिए इतना छोटा कीड़ा, अरे बड़ा सजा सज सवर रही है, ओहो ये डेट पे जाने वाली लगता है। तो ये सब चीज़ है इसमें, बाकी जो भी थोड़ा सा वीडियो बोले हैं तो मजाक में बोले, और कोई बात नहीं है। फोटो फ़ोन अच्छा है, फ़ोन अच्छा है, लेकिन एक लेकिन है कि अगर आप 35,000-36,000 लगा रहे हैं तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है S21 FE, अगर सैमसंग लेना है तो S21 FE ले सकते हैं, वो थोड़ा पुराना फ़ोन है, लेकिन ए सीरीज़ के फ़ोन जो होते हैं वाकई में अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है वॉइस ओवर कॉलिंग। इसमें पता है क्या है, इसमें है वॉइस ओवर कॉलिंग, मान लीजिए कहीं भीड़ भाड़ में चे चा पे पा होता है तो उसको ऑप्शन देता है, उसमें ऑन कर दीजिएगा ना, सैमसंग के लगभग सभी फ़ोन में आ गए ए सीरीज़ के, ऑन कर दीजिएगा ना तो बाहर का आवाज़ है उसको दाब देगा, जिसके पास आप आपकी प्रेमिका के पास बतिया रहे हैं या अपने बाबूजी से बात कर रहे हैं या कोई से बात कर रहे हैं तो आवाज़ जो है ना उनको क्लियर क्लियर सुनाई देगा। तो ये सब कुछ कुछ फंक्शन है। आज साथ ही साथ जानते हैं ये IP67 रेटिंग है। तो दोस्तों देखिए ये वाटरप्रूफ है, देखिए पानी है, देखिए पानी, इसको आराम से धोइए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा भी जाएगा फोन, वहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कि सोबाजी के लिए भी अच्छा है, वाटरप्रूफ फ़ोन है, समझे। हैप्टिक फीडबैक है, बड़ा बढ़िया मोटर वाइब्रेशन है, फटफट अभी बज रहा था, क्योंकि एक्सीडेंटल टच ऑन हो जाता है ना, पानी गिरता है तो भूलिए कि दिमागे से उतर गया था, देखिए ना बड़ा टेंशन है। इसमें जो है ना देखिए, इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर है, समझे। डुअल स्टीरियो स्पीकर में होता है ना कि इसमें आवाज़ जो है ना बड़ा शानदार आता है, देखिए ना अभी आवाज़ सुनाएंगे, आप कहिएगा क्या आवाज़ है, देखिए ना 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 ना। समझे, आवाज़ वाज सब बढ़िया है, डुअल स्टूडियो स्पीकर भी है और साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, समझे। तो आवाज़ वाज के मामले में सब कुछ तगड़ा रहेगा। बाकी दोस्तों वीडियो बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो थोड़ा स्लो आता है लेकिन आएगा, समझे। अब बड़ा गर्मी के टाइम है, तनी हम लोग भी चिल हो लें, ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, इसका गेमिंग रिव्यू बनाएंगे, गेम ज़्यादा हम खेलते नहीं ना है लेकिन फिर भी बना देंगे आपके लिए, और आपको चूज़ करना है खुद से, क्योंकि हम थोड़ी बताएंगे, हमारा हिसाब से चलिएगा तो काम चलेगा, अपने हिसाब से चलिए, ठीक ना। बाकी वीडियो देखते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।